वेलकम टू एचडी एजुकेटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। वी ऑल नो दैट देयर आर वाइड वेराइटीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। हम सभी को पता है कि जो हमारे चारों तरफ है वो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है मटेरियल्स की। दे डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर कलर, ऑर्डर, टेस्ट, फिजिकल स्टेट एंड अदर प्रॉपर्टीज। वे सभी डिफरेंट होते हैं किस तरह से, अपने कलर से, ऑर्डर मतलब खुशबू या सुगंध, टेस्ट, फिजिकल स्टेट एंड अदर जो भी उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। वी ऑफन यूज सच प्रॉपर्टीज टू क्लासीफाई सब्सटेंसेस एंड मटेरियल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो हम अक्सर इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं टू क्लासीफाई सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करने में और मटेरियल्स को क्लासीफाई करने में डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। तो सम मटेरियल्स लाइक लेमन, विनेगर एंड टैमरिंड हैव ए सोर टेस्ट। कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि लेमन, विनेगर और टैमरिंड, इन सब का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है यानी कि खट्टा होता है। दीज मटेरियल्स टेस्ट सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एसिड्स। तो जो इनका टेस्ट होता है वो खट्टा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंस होती है केमिकल्स की, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड्स। अदर मटेरियल्स लाइक बेकिंग सोडा एंड सोप हैव ए बिटर टेस्ट। और कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, जैसे कि बेकिंग सोडा होता है और सोप होती है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड बेसिस। और ये किसकी प्रेजेंस से होता है, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन। इट इज़ डेंजरस टू टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस आइदर एट होम और इन स्कूल। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है कि किसी भी अननोन सब्सटेंस को टेस्ट करना, चाहे हम घर पे करें या फिर स्कूल में, किसी भी हमें अननोन सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, बगैर उसको जाने। द टर्म एसिड हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स शोर। तो जो टर्म है हमारी एसिड, वो कहाँ से ड्राइव की गई है, वो लैटिन वर्ड होता है एक एसिडस, उससे ड्राइव की गई है, उससे ली गई है, और जिसका मीनिंग होता है सोर यानी कि खट्टा। ऑल सोर टेस्टिंग मटेरियल्स कंटेन एसिड्स। और जितने भी सोर टेस्टिंग मटेरियल्स होते हैं उन सब में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। एसिड्स आर क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज। और एसिड को हम टू कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या होता है ये जान लेते हैं। एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स, जो मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं अर्थ के ऊपर, उनसे जो प्रिपेयर करे जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या होता है, जो मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं उन्हें हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 आर सम ऑफ द वेल नोन मिनरल्स एसिड्स। ये कुछ मिनरल एसिड्स के नाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डू यू नो के बारे में, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। डू यू नो सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑफन नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स। जो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ मटीरियल्स। और ये बहुत सारी जो मटीरियल्स होते हैं उनको बनाने में यूज इसका किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड से बहुत अधिक मात्रा में मटेरियल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है, एसिड्स विच आर नेचुरली अकरिंग एंड आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, जो नेचुरली अकर होते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन एसिड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जो कि नेचुरल होते हैं, नेचुरल चीज़ों में जो पाए जाते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं।
मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन ऑर्गेनिक एसिड्स, तो बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल गुआवा कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड. गुआवा में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड. ऑरेंज लेमन एंड आंवला कंटेन सिट्रिक एसिड. ग्रेप्स टैमरिन एंड गूसबेरीज कंटेन टार्टरिक एसिड. एंड श्योर मिल्क कंटेन्स लैक्टिक एसिड. विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड. ठीक है, तो जो हमारे गुआवा है उसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड. ऑरेंज लेमन और आंवला जो कि हमारे खट्टे फल होते हैं इनमें कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड. ग्रेप्स टैमरिंड और गूसबेरीज में कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड. श्योर मिल्क में कौन सा होता है, श्योर मिल्क यानी कि जो दूध खट्टा हो जाता है उसमें कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड. विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH. ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का. यहाँ कुछ पिक्चर्स आपको दी गई हैं, दीज कंटेन जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, दीज कंटेन सिट्रिक एसिड. आपको ऑरेंज लेमन और आंवले की पिक्चर दी हुई है. नेक्स्ट आपको दी हुई है ग्रेप्स की, टैमरिंड की और गूसबेरीज की, तो इनमें कौन सा होता है, दीज कंटेन टार्टरिक एसिड. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टिंग ऑफ बीज, रेड एंट्स, वास्प्स एंड स्टिंगिंग नेटल कंटेन फॉर्मिक एसिड. तो जो बीज का जो डंक होता है उसमें कौन सा होता है, कौन सा एसिड होता है, उसमें होता है फॉर्मिक एसिड. ये रेड एंट्स में होता है, वास्प में होता है, स्टिंग ऑफ बीज में होता है और स्टिंगिंग नेटल में होता है. और इसको फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH किसका फॉर्मूला है, फॉर्मिक एसिड का. विच कॉजेज ए शूटिंग पेन, और जिसमें हमें क्या होता है, पेन होता है. ठीक है, जब कोई हमें बीज या रेड एंट्स काटती है तो हमें पेन होता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. जो एसिड्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एंड फॉस्फोरिक, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. एसिड्स लाइक सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, और ये वीक एसिड्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से होते हैं वीक एसिड्स, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. वी विल लर्न मोर अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स इन हायर क्लासेस. तो हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में आगे की अपनी हायर क्लासेस में लर्न करेंगे. अब हम बस इतना ही जान लेते हैं कि कौन कौन से वीक एसिड्स होते हैं और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. एसिड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज आर हाईली कंसंट्रेटेड, दैट इज द वाटर कंटेन इन दैम इज वेरी लो. जो एसिड्स होते हैं जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं वो हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं. क्यों, क्योंकि उनकी जो वाटर की कंटेनिंग है वो बहुत लो होती है उनके अंदर. देयर कंसंट्रेशन कैन बी डिक्रीज बाय एडिंग वाटर टू देम. जो उनकी कंसंट्रेशन है वो कैसे डिक्रीज की जा सकती है, उनके अंदर वाटर को ऐड करके. एसिड्स हैविंग ए लो कंसंट्रेशन आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड्स. और एसिड्स जिनकी लो कंसंट्रेशन होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे. थैंक यू. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.